अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की दूसरी मंजिल से गिरा कोरोना संदिग्ध मरीज मुरादाबाद के जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड की दूसरी मंजिल से चादर के सहारे कूदकर भागने के प्रयास में गिरे कोरोना संदिग्ध मरीज की सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संदिग्ध मरीज को गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड की दूसरी मंजिल से एक मरीज के गिरने की सूचना ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति ने आज दोपहर बाद आइसोलेशन वार्ड की दूसरी मंजिल से चादर बांधकर नीचे उतरने के प्रयास में उसके हाथ छूट गए और वे धड़ाम से पक्के फर्श पर जा गिरा। आइसोलेशन वार्ड के पीछे की तरफ हुई इस घटना से मचे हड़कंप में महिला अस्पताल में मौजूद तीमारदार और अस्पताल का स्टाफ भी उस तरफ दौड़ पड़ा और उठाकर स्ट्रेचर पर रखते हुए इलाज के लिए इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। जहां पर कोरोना संदिग्ध मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में हुई इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की पोल खोल के रख दी है। इस मामले में जब जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर जोसना पंत से पूछा गया तो वे कैमरे से बचती नजर आई। वो कह रहा है मुझे अपने घर में अपने बच्चों की याद आ रही है। क्या कोरोना पॉजिटिव है? अभी पता नहीं है। क्या टेस्ट हुआ इसका भी? मैं तो अभी मरीज को देखने आई हूँ, अभी इसके बारे में सारी जानकारी अभी दॉक्टर में जाके लूंगी। आपको नहीं पता है इस मरीज की हिस्ट्री? अभी नहीं पता। नहीं, हिस्ट्री पता है मुझे जी। अभी जब सारी चीज़ें तथ्य आ जाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे। किस किस चीज़ में भर्ती है मुझे, किस बीमारी में भर्ती है? मैं अपना टेस्ट कराना चाह रहा था, इसका सैंपल वगैरह हो गया है, टेस्ट अभी आने वाला। तो मैं अस्पताल से कुदाना था, पता है अस्पताल से कुदाना। वो चादर वगैरह कुछ, एक चादर लटकी भी है मैम। भागना चाह रहा है ना, वो कह रहा मुझे अपने बच्चों की याद आ रही थी। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज आई रिपोर्ट के बाद मुरादाबाद में 24 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 24 मरीजों में छजलेट थाना के एक सिपाही में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। वहीं अन्य सभी मरीज जिले के विभिन्न हॉटस्पॉट एरियाज के रहने वाले हैं। वहीं इन सभी लोगों में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि CMO डॉक्टर MC गर्ग ने की है। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1100 के करीब पहुँच गई है। खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1069 हो गई है। इसमें 45 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है, जबकि 642 लोग कोरोना पर फतेह कर चुके हैं। ऐसे में मुरादाबाद में कोरोना के अब तक कुल 382 एक्टिव केस हैं। जिन इलाकों में 5 या 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, यहां बुधवार को एंटीजन टेस्ट कराए गए। CMO MC गर्ग के मुताबिक सरकार द्वारा आइसोलेट की सुविधा शुरू कर दी गई है, इसलिए आशंकित लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी कोरोना होने की आशंका है तो वे एंटीजन टेस्ट करवा सकता है। रिपोर्ट आने के बाद उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा, जिसके चलते आज कंजरीसराय में राशन दुकान स्वामियों ने कहा कि जो पहले कोरोना टेस्ट करवाएगा उसी को राशन मिलेगा की तर्ज पर अपने उपभोक्ताओं के कोरोना टेस्ट करवाए। लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कोरोना टेस्ट के लिए कोरोना टेस्ट कराने के बाद में इन्हें मास्क वितरित किया जाएगा। अच्छा, और जिसको मतलब हुआ कोरोना वो निकल जाएगा, जब उसको कोरोना होगा। स्वर्गीय पत्रकार विक्रम जोशी के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर अमरोहा के पत्रकारों ने DM को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की दबंगों द्वारा हत्या को लेकर जनपद अमरोहा के वरिष्ठ पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश जताया और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए जिला अधिकारी श्री उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार विनीत अग्रवाल ने कहा कि गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या से पहले भी पत्रकारों पर हमले व फर्जी मुकदमे होते आ रहे हैं। जबकि पत्रकार सच्चाई को सबके सामने लाता है, फिर भी सरकार व पुलिस का व्यवहार पत्रकार के हित में नहीं रहता। अमरोहा के सभी पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित पत्र लिखकर जिलाधिकारी को सौंपते हुए ये मांग की है कि स्वर्गीय पत्रकार विक्रम जोशी के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए और 50 लाख रुपए के मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। ज्ञापन देने में मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार विनीत अग्रवाल, तारिक अजीम, मोहम्मद माजिद, सरबजीत सिंह, सोहेल अहमद खान, सलाउद्दीन, प्रबल प्रभाकर, चौधरी महेंद्र सिंह आदि। बताइए, जो आप आज लोग सब पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मकसद है पत्रकारों की हिफाजत करना। पत्रकारों में रोष इस वजह से है कि उनकी आए दिन उनके पत्रकार साथियों को थाने में, चौकी पे और जगह जगह उत्पीड़ित किया जा रहा है। अब कल ही की घटना ले लीजिए, गाजियाबाद में एक पत्रकार साथी की सिर्फ इतनी ही तो शिकायत थी कि उसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ होनी थी और उसको रोकना था, लेकिन पुलिस ने उसमें टालमटोल किया। पत्रकार थाने के चक्कर लगाता रहा और बदमाश पत्रकार की भांजी के चक्कर लगाते रहे। इसी वजह से
सिर्फ शिकायत को लेके एक पत्रकार की हत्या कर दी जाएगी और सारा अमला इसी तरीके से अपने एसी रूम में बैठा रहेगा। तो पत्रकारों की भी एक अपना परिवार होता है, अगर आप उनकी हिफाजत देने में सक्षम नहीं है तो साफ मना कर दीजिए कि पत्रकारों की हिफाजत हम नहीं कर पाएंगे। इस सबसे इस वक्त जो सबसे उत्पीड़ित तबका है तो वो पत्रकारों का ही तबका है। अगर इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर पूरे समाज का जो चौथा खंभा है ये भर भरा कर गिर जाएगा। पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, होना क्या है आखिर? क्या संदेश देना चाहती है सरकार? एक तरफ सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो जब तक पत्रकारों को आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आप किसी का भी विकास नहीं कर सकते। क्योंकि पत्रकार आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया उस समय में दिया ना जी, पत्रकार की हत्या गाजियाबाद में जो उनकी भांजी को जो लेके जो छेड़छाड़ हो रही है, दिलनवाज पाशा ने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? देखिए, जो ये गाजियाबाद में घटना हुई है काफ़ी निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाएं जो हैं वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, सरकार पर सवाल उठाती हैं। लेकिन जो पत्रकार है, जो पत्रकारिता का पेशा है, जो समाज के हर तबके की खबर को सामने लाता है, समाज की हर बात को सामने लाता है, उसी पत्रकार के साथ अगर ऐसा होने लगेगा जैसा कि हुआ, इससे पहले भी और घटनाएं हुई हैं, कोई नई बात नहीं है, समाजवादी गवर्नमेंट हो, बसपा गवर्नमेंट हो, कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, पत्रकार किसी सरकार का बिकावा नहीं होता। लेकिन पत्रकार की जो जात है उसके साथ तो ये होता है हर सरकारों में, इसके लिए समय समय पर हम लोग आंदोलन करते आए हैं और जाना मुद्दे उठाते आए हैं और इस सरकार में भी जो हुआ है इसके लिए हम लोग एक पत्रकार होने के नाते अपने पत्रकार साथी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार से ये मुआवजा कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक शहीद का दर्जा देकर के लोगों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाता है, ऐसे ही एक पत्रकार जो अभी दिवंगत आत्मा हुए हैं इनको, विक्रम जोशी जी को भी क्या नाम है, सरकार को एक अच्छा खासा मुआवजे के रूप में रकम देनी चाहिए ताकि उस दिवंगत आत्मा के परिवार को जो है भरण पोषण के लिए कुछ मिल सके और एक सरकारी नौकरी अगर हो सके तो वो भी दी जानी चाहिए। ये मेरी अपनी मांग है और हम सबकी मांग है। हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि भू माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है, उस मुहिम में लगातार मुझे धमकियां मिल रही है और अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके लिए जिला अधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आज फिर एक ज्ञापन सुरक्षा के माध्यम से जिला अधिकारी को दिया गया। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगातार भू माफियों के खिलाफ 10 महीने से मैंने अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें कई लोग मुझे भू माफिया धमकियां दे रहे हैं जान से मरवाने की, उनके खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उन भू माफियाओं की तरफ पुलिस का कोई भी रुख सही तरीके से नहीं जा रहा है, जिसमें अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ना कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है। और सुरक्षा के लिए मैंने कई बार बोला है, लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए कई बार डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, उसमें भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो आज फिर हमने एक ज्ञापन दिया है जिला अधिकारी महोदय को और सुरक्षा की मांग करी है। इस बैठक में बतौर अधिकारी स्थानीय ब्लॉक से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे और उन्हीं के सामने बैठी लोगों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। पूछने पर बताया कि इससे पहले भी 2 बार प्रस्ताव के लिए भीड़ इकट्ठा की जा चुकी है, परंतु सूत्रों की माने तो राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारी आनाकानी करते नजर आए। अब देखने वाली बात यह कि उक्त राशन की दुकानें किन लोगों को मिलती हैं और कितने लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित होकर अपने घरों को लौटते हैं या फिर संबंधित स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नई चुनौती खड़ी करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज दिनांक 21/7/2020 को प्रातः 11 बजे से राशन डीलर के चयन की बैठक बुलाई गई थी ग्राम इसामपुर में, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने के कारण आज की बैठक स्थगित की जा रही है और अगली बैठक 20 तारीख में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ की जाएगी। सर, तीसरी बार है, तीसरी बार में कैंसिल क्यों हुआ? पहले बैठक जो लगाई गई थी 26 मार्च लगाई गई थी, उसमें जो है सरकार के द्वारा लॉकडाउन के कारण सब बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अगली बैठक जो है 30 जून 2020 लगाई गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ना मिलने के कारण बैठक जो है स्थगित कर दी गई थी और आज बैठक बुलाई गई थी जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा उपस्थित न होने के कारण आज की बैठक स्थगित की जा रही है और 30 तारीख को पूरे बैठक 11 बजे से
जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हुआ। लोग मास्क भी लगा के आ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग पास पास आ रहे हैं क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा है, इसलिए जो है लोगों से बाहर भी आ रहा है और सैनिटाइजर वगैरह भी नहीं। यहाँ ग्राम प्रधान भी उपस्थित थे, उनका भी पाल बिछाया गया था, उसके बावजूद यहाँ जब पाल बिछाया गया था तो वो ग्राम प्रधान क्यों चले गए? यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा पाल बिछाया गया था, लेकिन वो अपने किसी कारण से या जो भी स्थिति हो रही होगी वो अपने जो है समर्थकों के साथ मैदान छोड़कर चले गए। आपने अगली डेट क्या दी? 30 जुलाई तो प्रधान के दिन में होगा क्या कैसे होगा? ये अगली बैठक जो है ग्राम प्रधान अगर नहीं भी आते हैं तो किसी सदस्य की अध्यक्षता में बैठक की जा सकती है। नहीं, अगर आप इसको करवाना चाहते हैं, जो दूसरे सदस्य हैं ग्राम प्रधान के, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर भी मौजूद थे, अगर आप करवाना चाहते हैं तो उनकी मौजूदगी में ऐसा है ना, ये भौतिक रूप से पहली बैठक थी जिसमें ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं हुए। पहली बैठक में अगर नहीं होते हैं तो जो है वो बैठक निरस्त करी जाती है, दूसरी बैठक में जो है ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में कर दी जाएगी। मंडल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों 100 से अधिक पॉजिटिव मिले, जबकि गत दिवस 26 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई। पिछले 2-3 दिन में कंजरी सराय क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने से कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र को सील करवाया और लोगों से घर में रहने की अपील की। गाइडलाइन से अपना पालन कीजिए, बाहर को ही रोक ले, खड़ा कर ले, ठीक है, हटा लीजिए बाइक वगैरह।